अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने कहा कि सबसे पहले मशीन लगा ली जाए क्योंकि फिर लेट हो जाता है और आज भी मैं हफ्ते की बजाय इतवार पर आ गई थी। तो फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह मामा को मैंने रात को कह दिया था कि मुझे सुबह उठा देना, तो फिर मैं फटाफट मशीन लगा लूँगी। तारें जो है ना भजनों ने तोड़ दी थी, तो फिर मैंने ना फटाफट चारपाई वगैरह बिछाई थी, तो मैंने कहा इस तरह ही काट दो। और अब ये सारी छत ना साफ़ सुफ कर दी थी, मतलब कि मशीन वगैरह कमरे में रख दी थी। और अब मैं टब पहले नीचे लगी थी, बाकी सारा सामान जो था ना मैं उठा के नीचे ला रही थी साथ में। तो फिर मैं थोड़ी देर रात सो गई थी, और उस दिन वैसे भी पापा को छुट्टी थी, इतवार था। तो फिर मामा बाबा मास मैंने गए थे तकरीबन 12:30 बजे, उन जाते वक्त मुझे उठा दे रहे थे कि अब उठ जाओ काफ़ी देर हो गई है। वैसे मैं तकरीबन 9:15 बजे फारिग हो गई नहीं चाहिए थी, क्योंकि सुबह ना मैं 6:15 बजे उठी, मामा ने मुझे उठा दिया, तो मैं उस टाइम ऊपर चली गई थी कपड़े धोने के लिए सारा अपना सामान। तो फिर मामा ने कहा कि मैं भिंडियाँ बना लेती हूँ, उन्होंने भिंडियाँ पहले हल्दी और नमक डाल के फ्राई करनी थी, और उसके बाद उन्होंने जी प्याज डाला था, प्याज को अच्छी तरह फ्राई करके उसके अंदर फिर टमाटर हरी मिर्चें डाल के सारे मसाले वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह करेंगी। पहले मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की हुई है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह बता नहीं रही कि मतलब बता क्या क्या करना है, किस किस तरह करना है, क्योंकि पहले 1-2-3 दफ़ा आपके साथ रेसिपी शेयर की। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, और आपने ये रेसिपीज भी ट्राई करनी है और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये रेसिपीज बहुत टेस्टी बनती हैं, और आप लोग जब खाएँगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप का मैं क्या कह सकती हूँ, किससे पूछें कि मज़े की बनती हैं। तो मतलब हमारे घर में खानदान में तकरीबन जो भी मामा कहते खाना खाता है वो कहता है बहुत मज़े का। और इसमें मामा ने हरी मिर्चें ना बड़ी बड़ी ज़रा काट कर डाली थी, क्योंकि ना इस तरह सालन के साथ खाने का अपना ही टेस्ट होता है साथ खाने का। मैं तो हर साल में मैं तो चावलों वगैरह के साथ भी ना इस तरह ही तोड़ तोड़ के हरी मिर्च को ना खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो लेकिन बाद में मिर्चें भी फिर बहुत लगती हैं, उसके साथ साथ पानी भी पीती रहती हूँ। तो ये जब हमारे भिंडियों का सालन तकरीबन तैयार हो चुका है, ये बस थोड़ी देर कवर करके हम रखेंगे, उसके बाद हम इसको ये अब हम इसमें थोड़ा सा लीमू डाला है, ताकि वो ज़रा होती है ना बादी कहते हैं, भिंडियाँ वगैरह बादी होती हैं, तो फिर उनमें लीमू वगैरह डाल लेते हैं, उसकी वजह से फिर उनकी जो बादी का है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बस अब थोड़ी सी देर में हमारे भिंडियों का सालन रेडी हो जाना। और एक साइड पर रोटियां बन रही हैं, मेरी सिस्टर रोटियां बना रही थी, क्योंकि इतवार थी तो उसको छुट्टी थी, मान कर चलो अब तुम बनाओ, मैं लेट रुकी थी, मैं फिर तो देख रही थी, मैं वीडियो बना रही थी साथ में। और ये अब मामा इस टाइम सबको खाना वगैरह दे रही हैं, लस्सी हमने उस दिन काफ़ी देर का खाना तैयार करके रख दिया, पापा को भूख लगी होगी, लेकिन पापा भी मेरा भाई है वहाँ दादा को घर जाके मतलब काम करने लग गया। हाँ उन्होंने जो चाची ने कोई काम कहा था वो तो पापा उसको ढूंढते रहे कि पता नहीं कहाँ चला गया। चाची को फ़ोन किया, कहता है नहीं है, मामा कह गया मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ, छोटा मोबाइल ना मेरा और मतलब मैं और मेरा भाई ना यूज़ करता टिकटॉक वगैरह देखने उसमें, तो वो सही करवाने गया था जी, उसको उसने लॉक लगा दिया था और खुद क्या भूल गया था लॉक लगा के। और यहाँ पे पापा को बहुत फिर गुस्सा चढ़ा था उसके बाद, तो फिर पापा उसको ढूंढने गए, काफ़ी लेटेस्ट टाइम हो गया, फिर इसलिए सब कुछ ठंडा हो गया था, रोटियाँ सालन और लस्सी जो थी गर्म हो गई थी। फिर यह मैं सफाई कर रही थी, दोनों कमरों की सहन वगैरह की सफाई हो चुकी थी, बस रह गई थी इस कमरे की बेडशीट डलने वाली, झाड़ू मैंने पहले ही मार लिया था। और फिर आज पापा को छुट्टी थी, पापा कहते थे बड़ी देर हुई है छत जो है ना साफ नहीं हुई, पर पापा ही ज़्यादातर करते हैं, मामा या पापा, हमने भी किया है 2-3 का, मैंने और मेरे सिस्टर ने, सिस्टर काम करते मैं कभी वो मिलके हम लोग कर लेते हैं, तो पापा कहते मैं ही साफ़ कर देता, उन्होंने भी ज़्यादातर अक्सर या मामा या पापा वगैरह कर देते हैं। तो और एक साइड बस जब बर्तन धोलने वाले रह गए थे, और शाम को मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, हमने कहा कि हम आज कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी में सबसे पहले टमाटर और प्याज डालने और उनको वेट लगा देना है, और फिर तकरीबन 10 मिनट से भी आपने थोड़ी देर रखनी है, क्योंकि आज हमने 10 मिनट फिर मामा ने दोपहर कहा भी था कि जाके फटाफट ना चूल्हा बंद करो, मैंने नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि लगने से बच गए, सिर्फ साइड्स इस तरह हुई हैं, बाकी सारा शुगर अलहमद बच गया था, वरना फिर सारा मसाला दोबारा एक हिसाब से वेट लगाना पड़ता है। तो अब इसमें हमने ये जो हमारा चम्मच है
तो इसमें है 2 चम्मच केवल हमने बड़ा चम्मच ऑयल लेना है और इसे अच्छी तरह भूनना है। फिर भी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स है, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून इसमें डालने हैं। तो हमने डाल लिए और अब इसमें हमने कड़ी पत्ता दिखाया नहीं था क्योंकि वो ना दादा की कॉल आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चले आप रहने दें, मैं बाद में दिखा देती हूँ। तो आपको मैं बता दूँगी कड़ी पत्ता भी 2 डालने थे। और अब इसमें 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक डालना है, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च डालेंगे। तो फिर सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फिर जो मतलब यहाँ तो लोग लस्सी वगैरह लेते हैं या दही, आज हमारे पास लस्सी नहीं थी, जो मक्खन निकालते हैं ना तो लस्सी होती है ना लोग लेते हैं, हमने ना वो कप की रखी थी लेकिन कड़ी थी नहीं, तो फिर वो ख़राब हो गई थी, हमने कहा चल फेंक देते हैं। तो मामा ने फिर दही जो ताज़ा ताज़ा दही होता है ना जागे आगे, उन्होंने उसमें बेसन अच्छी तरह से मिक्स किया था और उसको इस मसाले में हमने ऐड कर दिया। और फिर हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। और इसमें मामा ने यही जो 2 बाउल है वो पानी के ना 2 तकरीबन उन्होंने डाल दिए थे, काफ़ी सारा पानी मतलब इसमें डालना, फिर इसको जब बॉयल होते होते ये काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो जी अब हमने पकौड़ों का सामान तैयार कर दिया, आलू और काटे हैं हमने दूसरे तरीके से, मतलब फ्राइज की तरह नहीं काटे, जैसे सालन वगैरह बनाते हैं उस तरह काटे हैं। और साथ प्याज और साथ हरी मिर्च हमने काट ली है, इसमें 1 टेबल स्पून मामा ने नमक डाले, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और सूखा धनिया, गरम मसाला, जीरा, ये सब कुछ डाल के मसाले, दादा मिर्च वगैरह, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम बेसन डाल देंगे और गरम मसाला भी हम इसमें शामिल करेंगे, वो मैं आपको बताने के लिए पहले हमने भी इसकी भी रेसिपी आपके साथ ट्राई की हुई है, इसलिए मैंने आज आपको मतलब वैसे बता दी है। आप उसकी ज़रूरत जितने जितना आप सामान लाते हैं उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो फिर वह हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मैं तो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी साथ दूसरा वाला, तो उस टाइम मुझे ना मामा कहते साथ वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बना रही थी तो साथ मोबाइल देख रही थी, कुछ हमें गुस्सा मुझे चढ़ा था बाद में, मामा मुझे उठा लेती थी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम है तो काम करना चाहिए। फिर मामा के ना हाथ पे कट लग गया था, तो मामा ने मुझे कहा कि ना तुम इसको मसाले को मिक्स कर दो अच्छी तरह, मेरे ना मुझसे बहुत ज़्यादा लगेंगी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ मिक्स, फिर मैंने कर दिया था। मामा कहती है ज़रा ज़ोर ज़ोर से हाथ लगाओ तुम्हें क्या हो गया, फिर मैंने कहा चले हो जाता है उसने होता, फिर जो था ना मिसन वो थोड़ा कम पड़ गया था तो मामा ने इसमें और ऐड कर दिया था। और साथ आपने वैसे मोबाइल देखा होगा, मैंने साथ ले लेके घूम रही थी। तो फिर जी अभी हमारे पकौड़ों का सामान बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है, बस अब इनको हमने फ्राई करना है और कड़ी में हमने इनको डालना है। और चावल मैंने मुझा मामा ने कड़ी रखी है फ़ौरन, मैंने चावलों को साफ़ किया, पानी में बॉयल करने के लिए रखा और फटाफट जी बना दिए, तो कुछ जल्दी जल्दी बन गए थे। इसमें मामा ने थोड़ा सा कलर ऐड किया है और साथ में थोड़ी सी फटकरी ऐड करनी है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी खट्टा करने के लिए, और लेमन ऐड करना है, वो ज़्यादा खट्टी हो जाती है ना फिर बहुत मज़ा आता है। तो ये मामा ने सारे से ही कर दी थी, मैंने कहा था दिखाएं, फिर उन्होंने जो थोड़ी और डाली थी ना वो आपको दिखाई थी। तो अभी इसमें लेमन ऐड कर रहे हैं हम लोग, तकरीबन 2 लेमन थे। अगर आप लोग ज़्यादा खट्टी करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं और भी। तो अब जी मामा को हाथ मसाला लग रहा था इसलिए वो ना स्पून से डाल रही थी कढ़ाई में, तो फिर उन्होंने सारे पकौड़े बारी बारी डाल दिए थे। थोड़ा सा ही ऑयल लिया था क्योंकि थोड़े से फ्राई करने थे हम लोगों से, मतलब वैसे खाने वगैरह के लिए फ्राई करने थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से डाल देती हूँ। तो ये उन्होंने थोड़े से पकौड़े थे, ये जो हमारा व्लॉग है ये मतलब हमने संडे का बनाया हुआ था, तो वो 14 अगस्त का जो था ना वो हमने कल अपलोड कर दिया था, तो इसलिए ये संडे का था। तो ये रह गया था, मैंने कहा कि पहले ना हम 14 अगस्त से अपलोड कर देते हैं, फिर आप सबको पता लगे कि हमने 14 अगस्त को मतलब केक वगैरह बनाया था इस तरह से। तो फिर इसीलिए ना हमने ये जो मैंने कहा था रहने देते हैं फ्राई बना लेंगे। तो अब मामा ने जिस एंड पर जो तड़का लगाना है उसमें अजवाइन डालनी है, ये सबसे पहले अजवाइन डालिए, और ज़ीरा डालना है 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डालना है, इसमें थोड़ी सी दादर मिर्च भी ऐड करनी है
और सूखा धनिया भी डाला है, मतलब जो मसाले भी इतना कम ऐड किए ना, मतलब कि जो हमने कड़ी के मसाले में उसमें ऐड नहीं थे किए जब हमने वेट लगाया था, उसके बाद हम ऐड करते हैं वो हमने नहीं थे किए, तो हमने इसका तड़का लगाया और साथ में हरी मिर्चें और ये थोड़ी सी दादर मिर्च और गरम मसाला जो है ना हम कड़ी के ऊपर अंदर ऐड करेंगे वैसे लास्ट में, जिस तरह करते हैं ये देखें 1 टेबल स्पून हमने ये डाला है गरम मसाला, तो हमारा वहाँ तड़का लग रहा है तो मामा अब इसमें डाल देंगे फटाफट से। तो आप सबने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना है, और अब आपको हम ये प्याली में डेकोरेट करके दिखा देंगे अच्छी तरह से, धनिया भी डालना है इसमें लास्ट में। तो आप सबने हमसे ज़रूर रेसिपी ट्राई करके बताना है कि किस तरह की बननी है, और मेरी तरफ से मेरी तमाम ब्यूटी फैमिली को अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी।